तैयारी चल रही, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या, इस दंगल में जो कुश्ती करने उधर ही गए हैं तो फिर अब इसका मजा ही देखिए, बहुत ही कमाल का है। और बिल्कुल सिनेमा में पहली बार ये सिक्वेंस कर रहा हूँ, और आप जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी चीज़ों को सही तरीके से कराया गया है, आप अच्छे से इस दंगल के सीक्वेंस को शूट कर सकते हैं। हम भी इसमें दंगल के दो चार टॉप पे कुश्ती में सीख रहे हैं और सीखा, और बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा अनुभव है। सर देखिए, इतनी तैयारी करनी पड़ी कि मैं पिछले इस रोल के लिए अब तक मैंने 10 किलो वजन कम कर लिया। पहले मेरा वजन ज़्यादा था पर मैंने 10 किलो वजन कम किया है, और आप देख सकते हैं जितनी कोशिश की है कि अपनी बॉडी को फिट कर सकते हैं, तो वो मैंने किया इस तैयारी के लिए, इस सीक्वेंस के। आज के अखाड़े में किसको पछाड़ने वाले हैं? बस सर, अपना ये सीक्वेंस है अपने फिल्म के हीरो पवन जी के साथ, और उन्हीं को इस चक्के को फंसा कर उनको पटकनी देनी है। तो आप क्या लगता है, पटकनी देने में कामयाब हो जाएंगे? हीरो हार गया तो फिर फिल्म कैसे आगे बढ़ेगी? इसमें स्वयंवर का भी सीन है तो क्या? हाँ, इसमें ये भी है कि जो हीरो है उससे मैं शादी करता हूँ ज़बरदस्ती, और शादी के मेरे मंडप तक पहुंचने के बीच में बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत बाधाएं हैं जिसको हीरो को क्रॉस करके वहां तक पहुंच जाएंगे। तो हीरोइन को आप पाने में कामयाब हो जाएंगे? सर ऑफिशियली विलन हूँ तो मुश्किल ही है, विलन हीरोइन को कभी पा नहीं पाएगा, लेकिन अब फिल्म का एक सीक्वेंस करना है तो आखिर विजय हमेशा सत्य की होती है, और इसमें विजय राग हीरो की ही है। धनतेरस से दिवाली भी आने वाला है, धनतेरस का त्यौहार है और दिवाली भी आने वाली है, तो मैं अपने दर्शकों को यही कहूँगा कि आज धनतेरस है, हमारे घर वालों ने सिखाया था कि धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ खरीदनी चाहिए, तो आप सभी जिसकी जो है जो हो वो खरीदे, चम्मच हो कटोरी इसकी जिसकी जो हो। और दिवाली बहुत सेफ बनाए और पटाखों से दूर रहें, चाइनीज सामान से दूर रहें, अपने देश के जलाएं ताकि हमारा देश तरक्की करे, चाइनीज सामान को बढ़ावा ना दे। और मैं यही कहूँगा आप सबको दिवाली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।